पुरुषार्थ ना करना पड़े ज्ञान से याद करने का, हमें स्वतः याद आना चाहिए। जैसे आग में आग लगी पानी याद आया, किसी ने क्रोध किया प्रेम याद आ जाए, किसी ने अपमान किया मान याद आ जाए कि हम उससे सम्मान दें। कोई अशांति है, अशांति कोई किसी ने अशांति करी व्यक्ति ने या परिस्थिति, तो हमें सोते हमें शांति याद आ जाए। तो ये पुरुषार्थ हमें इस चीज का करना, इस चीज का पुरुषार्थ करना कि हमें ये चीज एकदम उंगली पे याद आ जाए, मतलब हमें प्रेम ही याद आया, अपमान दिखा तो सम्मान ही याद आया, ऐसा ऐसा हो जाए। बेटा ऐसा होता तभी है जब गुरु जी मिले और गुरु जी ने विपरीत कार्य कराया अपने सामने, उनका फोर्स, अब उनके थे उनकी फोर्स से हम पानी को ऊपर ले, जैसे मोटर के फोर्स से हम पानी को ऊपर ले जाते, ऐसे ही उनके फोर्स से, उनकी जो वचन की शक्ति सी, उससे हम ये कार्य आसानी से करने लग गए। जब पहली बार किया तो दूसरी बार का और बल मिला, तीसरी बार और मिला और बल मिलता गया, लेकिन अपना फोर्स तो लगा के तो बड़ी कठिन। आदत आदत बनेगी जब हम गुरु के विचार से चलेंगे, विचार है उसे चलेंगे, विचार ज्ञान ही है, तो ज्ञान से ही ये समझ में आएगी, बिना ज्ञान के तो आएगी नहीं। हम आए इसलिए हैं कि हमें ये पुरुषार्थ करना ना पड़े, हम यहाँ पर ज्ञान में आए इसलिए हैं कि हमें जो है क्रोध देखें प्रेम याद आए, अपमान देखें सम्मान याद आए, अशांति देखें शांति याद आए, ये हमारा लक्ष्य है। हमें हमें जो है हमें मतलब हमें ऐसा बनना है कि हम स्वतः ये चीज हो जाए, और ये होगी ज्ञान से, गुरु के विचार से ही होगी, ज्ञान से ही होगी, बिना ज्ञान के बिना गुरु के विचार से तो कुछ भी नहीं हो सकता, होगा उसी से होगा। सही कह रहे, बिल्कुल बेटा, बड़ी कृपा है, सच्चाई है। प्रैक्टिस अगर होगी तो वो इजी हो जाएगा, सहज हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस ना करे आदमी, प्रैक्टिस ना करे, कभी किया कभी दुकान खोली कभी दुकान बंद करी और किया, कभी प्रैक्टिस दो साल छोड़ दी बीच में, तो प्रैक्टिस छोड़ देगा तो वही चीज करने में मुश्किल हो जाएगा। हम डॉक्टर हैं, मन के आदमी अपना गुरु तो डॉक्टर है ही है, आदमी अपने मन का खुद भी डॉक्टर है, तो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है ना, डॉक्टर की भी प्रैक्टिस होती है, डॉक्टर बहुत अच्छा है उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, वो निरंतर प्रैक्टिस कर रहा है, रोज वो केस देखता है, रोज वो उसको ठीक कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। प्रैक्टिस अगर छूट गई तो डॉक्टर फिर कैसा होता है, बहुत बहुत पढ़ा लिखा भी होगा, बहुत उसको एक जमाने में बहुत अच्छा डॉक्टर रहा भी होगा, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस चली गई तो वो चीज नहीं कर पाएगा, वो सहज नहीं हो पाएगा। सत्संग में हमारे बहुत अच्छी आंटी है, डॉक्टर मीना सत्संगी है, तो वो जो है वो डॉक्टर हैं, मतलब लंदन वगैरह में उन्होंने प्रैक्टिस करी, सब कुछ किया, फिर छूट गई डॉक्टरी वगैरह, छूट गई गायनी थी वो, डॉक्टरी वगैरह सब छूट गई 20-25 साल। तो क्या इधर इंडिया आए, तो इंडिया आके इन्होंने यही पालो बिहार में हॉस्पिटल में नौकरी उनको मिलती गई, मेरा डॉक्टर उनको दे दिया था डॉक्टर, तो उन्होंने देखा कि इनके ये इन्होंने इतना पढ़ाई करी है, इतना ये सब किया, उन्होंने ले लिया होगा, नया हॉस्पिटल भी खोला था, अच्छा डॉक्टर। अब वो वहाँ पे लेकिन वो ज्यादा टाइम कर नहीं पाए, थोड़ा टाइम किया उन्होंने, फिर क्या छोड़ना ही पड़ा। जैसे वकील की, जज की, डॉक्टर की प्रैक्टिस होती है, ऐसे ही जब हम अपने जज बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सहज होगा, आराम से स्वतः हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो स्वतः नहीं होगा, वकील भी दूसरे का बनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रोज हमारी प्रैक्टिस है। हम किसी दिन दुकान बंद नहीं करेंगे, दुकान एक ही नागा नहीं करना, प्रैक्टिस अपनी बढ़ाते जाएंगे, ऐसे मन की भी हमें प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, प्रैक्टिस जितने जितने बढ़ाते जाएंगे उतना उतना वो हमारा निखरता जाएगा, वो जो काम है वकील का, जज का, डॉक्टर का, वो काम निखरता जाएगा। और ऐसे ही जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उसी अभ्यास से हमें जो है अपमान कोई कर रहा है तो मान जो याद आने वाली चीज है वो मुश्किल नहीं है, क्या बड़ी बात है अगर हम सब मिलकर करेंगे, एक दूसरे के हाथ, बच्चा क्लास में पढ़ाई करता है दिखता है कि सब अच्छा एक चीज कर रहे हैं, एक गोल है, सब लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, आपस में करता है तो जो बच्चा है सभी बच्चे फिर कर लेते हैं, जब सब मिलकर करते हैं तो हो जाता है, जब बच्चा कर लेते हैं, कोई नेवी करने वाला होता है पीछे भी होता है थोड़ा सा तो वो भी आगे बढ़ के कर लेता है, सब करते हैं। प्रैक्टिस बस मन की करेंगे, अगर हम बार बार उसी समय
अगर मौन नहीं होंगे हम उसी समय मन की सफाई देंगे, वकालत मन की न करके मन के अपने जज बनना है, मन को और सामने वाले की बात को सामने रखना पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो हर पल की प्रैक्टिस है ये, हर पल की प्रैक्टिस जो तुम कह रहे हो बिल्कुल राइट बोल रहे हो। फिर इतना आसान हो जाता है, लगता है कितना सरल है, सब की नहीं क्यों नहीं देते, सब करके नहीं देते लेकिन है बहुत कुछ अगर कहा जाए तो साबुन की सीढ़ी है, साबुन की सीढ़ी बार बार पे सर। जो है जज वकील और डॉक्टर की दुकान हम लोग बंद ना करें, बस चलती रहे, बस ये है अंदर की प्रैक्टिस वही रहे, खुद जज बन जाए, मन को कटघरे में खड़ा रखे, खुद जज बने मन को कटघरे में हमेशा रखे, मन कटघरे में जब रहेगा तब तो प्रैक्टिस सही होगी, और मन में मन की वकालत करने मन के जज बन गए तो हमेशा रुक जाएंगे, मन को कटघरे में रखना ही पड़ पाएगा बहुत ज्यादा। सही बोलते बच्चे को, अच्छा हो गया ज्ञान सबको हो गया धीरे चाहिए अपने को, हम राइट समझते हैं ना बात होती तो राइट अपने को समझते हैं, दूसरे को गलत, धीरे चाहिए बहुत धीरे 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 डायरी खोता तभी अंदर बोल। सही